दिवाली आने से कुछ दिन पहले ही कई लोग शुरू हो जाते हैं कि भाई पटाखे मत जलाओ, क्योंकि जानवर जो है घबरा जाएंगे, गुम जाएंगे, घायल हो जाएंगे। अब इनकी सुन के लोग पटाखे जलाने कम करें या ना करें, वो इनको गालियां देना जरूर शुरू कर देते हैं। अब मैं चाहे खुद पटाखे नहीं चलाता, पर मैं पटाखे जलाने का विरोध भी नहीं करता, क्योंकि जितना मेरी समझ में आया है कि भाई बेशक आप गौ सेवा करते हो, आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ हो, आप बकरीद पे बकरे काटने का भी विरोध करते हो, आपका हिंदू होने का सबूत इस बात पे आखिर आ टिकता है कि आप दिवाली पे पटाखे जलाने का सपोर्ट करते हैं या विरोध। जो बात मेरी समझ में नहीं आती वो ये कि जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तब तो दिए जलाए गए थे, ना कि पटाखे, तो फिर इतना गुस्सा क्यों? फिर क्यों इन लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाता है? आखिर ये लोग पटाखे जलाने का विरोध कर रहे हैं, ना कि दिवाली का। मुझे लगता है कि जब हम दूसरों को जानते नहीं, हमें उनकी मंशा नहीं पता होती ना, तो उनका कुछ भी कहा एक अटैक की तरह लगता है, एक हमले की तरह लगता है, और हम खुद एक पटाखे की तरह रिएक्ट कर जाते हैं। तो क्यों ना इस दिवाली हम एक रेजोल्यूशन लें कि भाई पटाखे जलाएं या ना जलाएं, पर पटाखे की तरह रिएक्ट ना करें।